बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फैक्ट पर यकीन कर पाना मुश्किल लगता है, वो भी तब जब हम उन्हें पहली बार सुन रहे होते हैं, लेकिन फिर सबूतों को परख कर हमें उन पर यकीन करना लाजमी हो जाता है। जैसे एक ऐसा फैक्ट है जिसे आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, और यकीन आधा हो तो इस वीडियो के बाद आपको शायद पूरा यकीन हो सके। जी हाँ, पूरी दुनिया की आत्मा परमात्मा को मिलाने की ताकत रखने वाला आज के युग का बादशाह इंटरनेट समुद्र के नीचे से ही चलता है। यकीन ना हो तो देखें कैसे, क्योंकि अगर आपको भी अभी तक यही लगता था कि इंटरनेट तो सैटेलाइट और टावर की मदद से चलता है, सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं और मोबाइल टावर उन्हें कैच करके हमारे मोबाइल तक पहुंचाता है, यही सोच रहे हैं ना? लेकिन जनाब, यह पूरी तरीके से सच नहीं है। दुनिया में 90% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछाई गई तारों के माध्यम से चलता है। पर कैसे, यही आप इस वीडियो में देख पाएंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें और लॉजिक समझें। इस डायग्राम से आपको केबल स्टेशन नजर आ रहा होगा और इससे होकर जाती हुई एक लाइन दिखाई पड़ रही होगी जो कि एक सी केबल है, या इसे सबमरीन केबल भी कहा जाता है। यही वह मीडियम है जिससे नेट चलता है और यह पूरी दुनिया में बिछा हुआ है, और समुद्र की सतह से हजारों मीटर की गहराई में इन्हें बिछा दिया जाता है। इस केबल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर एम्पलीफायर लगाए जाते हैं जिससे इंटरनेट अच्छे से काम कर सके। दुनिया भर में इंटरनेट अच्छे से काम कर सके, इसके लिए समुद्री पाथ द्वारा इन केबल को एक देश से दूसरे देश में बिछाया जाता है। जब आप मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो आपने देखा होगा आपके साथ कई और लोग भी जुड़ जाते हैं जो आपसे कोसों दूर बैठे होते हैं, लेकिन आप उनके साथ रियल टाइम में गेम खेल सकते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम इंटरनेट का है। दुनिया में कुछ इंटरनेट को आपस में जोड़ने के लिए सबमरीन केबल का सहारा लिया जाता है, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो डेटा को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है और इंटरनेट आराम से चल सकता है। यहाँ आपको एक एम्पलीफायर दिखाया जा रहा है, इसको लगाने का कारण है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ना हो। यह टाइम टू टाइम सिग्नल को आगे जाने में मदद करते हैं। इन सबमरीन केबल को शिप की सहायता से बिछाया जाता है, लेकिन यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। सुरक्षा के मद्देनजर इन केबल को कभी अकेले नहीं बिछाया जाता, बल्कि इसे दो या तीन के ग्रुप में बिछाया जाता है। वह इसलिए होता है कि कभी कोई हादसा जैसे सुनामी आ जाना, वायर का टूट जाना या शार्क जैसे जीव द्वारा इसको नुकसान पहुंचा देना आदि आते हैं, क्योंकि ऐसे में इन्हें जल्दी रिपेयर करना आसान नहीं होता। इसी कारण एक के खराब होने पर दूसरे से इंटरनेट भेजने में हेल्प मिलती है। अब प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर इस काम को अंजाम दिया कैसे जाता है। तो देखिए, शिप में क्रेन की मदद से वायर को समुद्र में डाला जाता है, साथ ही एक मशीन के द्वारा इसे अच्छे से सेट कर दिया जाता है। ये वायर के बाहर पहले रबर की कोटिंग की जाती है, फिर स्टील की, और ऐसे काफी सारी कोटिंग की जाती है जिसके कारण यह सुरक्षित रह सके। और ये वायर जो आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है, और यही इंटरनेट के सिग्नल को लेकर जाते हैं। एक वायर 100 MB के डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन अभी जो वायर आती है वो 1000 MBPS के डेटा को ट्रांसफर कर सकती है। इन्हीं के कारण सारी जगह का डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। ये एक वायर लगभग 25 साल तक काम कर सकता है, लेकिन अगर कोई खराबी भी आ जाए तो गोताखोर द्वारा इन्हें रिपेयर कराया जा सकता है। समुद्र में केबल बिछाने का काम कुछ ही चुनिंदा कंपनियां करती हैं, जिन्हें टियर वर्क कंपनी कहा जाता है। यह कंपनियां पूरी दुनिया में सबमरीन बिछाने और मेंटेनेंस का काम करती हैं। भारत में लगभग हर बंदरगाह पर यह सबमरीन बिछी हुई है। भारत में सबमरीन केबल का जंक्शन मुंबई में है और वह पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। जब सबमरीन केबल से चलता है तो जियो, एयरटेल, आइडिया हमें इंटरनेट कैसे दे पाते हैं? तो आंसर है कि ये सब टियर टू कंपनी से सबमरीन केबल खरीदते हैं और हमें नेट प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा केबल नेटवर्क टाटा का है। इसके साथ ही कुछ समय पहले रिलायंस ने भी अपनी सबमरीन लॉन्च कर दी है, और इसी कारण जियो इतने सस्ते में हमें इंटरनेट दे पाता है। हाल ही में भारत ने चेन्नई से अंडमान निकोबार तक 2312 किलोमीटर लंबी ऑप्टिक फाइबर केबल समुद्र में बिछाई है। एयरटेल ने भी अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विस शुरू कर दी है, और एयरटेल अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विस लॉन्च करने वाला पहला इंटरनेट मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। जियो भी अपने इंटरनेट को हाई स्पीड पर काम करा रहा है। तो कह सकते हैं कि अब वो समय दूर नहीं जब और देशों की तरह भारत में भी इंटरनेट बहुत कम और कॉस्ट फ्री हो सकता है, वो भी 5G के साथ। उम्मीद पर दुनिया कायम है। खैर, आपको यह
यह वीडियो कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें।